ये मेरा एक और ड्रेस है, ये मारिया बी का एम्प्रिंट्स था, ये देखें। मॉडल ने ये ब्लैक शलवार के साथ, ब्लैक ट्राउज़र के साथ पहना है, लेकिन मुझे वाइट के साथ ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो ये थोड़ी बहुत हम चेंजिंग अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो इसको मैंने बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं की, क्योंकि ये इसका प्रिंट इस तरह डिसेंट सा था, इसी तरह बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो मैंने सिंपल बोट नेक बनाया है और इसमें ये कंट्रास्ट में इसकी लैस लगाई है अंदर की तरफ, और यही लैस मैंने स्लीव्स पर भी लगाई है घुम सिलाई के साथ अंदर, मतलब कपड़े पट्टी लगाकर इसको अंदर की तरफ घुम कर दिया है और फिर तुरपाई कर दी है, और यही लैस फिर मैंने दामन पर भी लगाई है, ये देखें। और ये इसके साथ एक पैच था, पैच को सेंटर में लगा के मैंने बॉर्डर से पट्टी उतार कर दोबारा उस पट्टी को नीचे लगाया है। इसकी बैक साइड दिखाती हूँ मैं आपको, बैक साइड इसकी सिंपल और नीचे बॉर्डर है। इसके बाद ये इसका दुपट्टा है, इस पर भी मैंने सेम इसी तरह पट्टी लगाकर चारों साइड पर ये लैस लगाई है। इस डिज़ाइनिंग की भी फुल वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, कटिंग स्टिचिंग और डिज़ाइनिंग की मैं लिंक दे दूंगी, आप जाकर देख सकते हैं। इसके बाद ये इसका ट्राउज़र है, इस ट्राउज़र पे भी मैंने डिज़ाइनिंग की है, ये ट्राउज़र हल्का सा सेल्फ प्रिंट पर है। इसके ऊपर ये नीचे लैस लगाकर मैंने ऊपर पिंटेक्स डाले हैं और फिर बीच में एक और लैस लगाकर उसके ऊपर फिर पिंटेक्स डाली हैं तीन तीन, और इसको नॉर्मल पैंट ट्राउज़र की तरह मैंने स्टिच किया है, तो ये इस ड्रेस के साथ काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसकी भी फुल वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। इसके अलावा ये एक मेरा एक और ड्रेस है, ये शिफॉन का ड्रेस है और ये बड़ा प्यारा सा बॉटल ग्रीन कलर का है, लेकिन ये वीडियो में थोड़ा चेंज लग रहा है, सी ग्रीन सा, लेकिन इसका कलर बॉटल ग्रीन है। तो इसके ऊपर भी मैंने ये पाइपिंग लगाकर नेक पर और ये बीच में पल्स लगाकर इस तरह डिज़ाइनिंग की है, जो इसमें फूल हैं, फ्लावर्स हैं उसके कंट्रास्ट में, और इसके अलावा मैंने सिंपल डोरी पाइपिंग स्लीव्स पर और दामन पर डोरी पाइपिंग के साथ इसकी स्टिचिंग की है नीचे शमीज़ अटैच करके। इसकी वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। इसकी बैक साइड भी इसी तरह थोड़े हल्के काम वाली है और ये नीचे बॉर्डर। ये किसी ब्रांड का ड्रेस नहीं था, ये लोकल जो हमारे मार्केट में मिलते हैं ड्रेसेस, वो ड्रेस है। इसके बाद ये इसका ट्राउज़र है, ट्राउज़र इसका बिल्कुल सिंपल मैंने सिया था, कोई डिज़ाइनिंग या कुछ ख़ास नहीं किया मैंने, नॉर्मल सिंपल ट्राउज़र इसका मैंने स्टिच किया था। इसके बाद ये इसका दुपट्टा है, दुपट्टे पर भी मैंने इसके ये डोरी पाइपिंग चारों तरफ अटैच की थी वही वाली कंट्रास्ट में। ये मेरा एक और ड्रेस था, ये बिन सईद का ड्रेस है, इनका फैब्रिक भी काफ़ी अच्छा होता है, तो ये अनस्टिच में था, इसको मैंने खुद स्टिच किया है। इसका मैंने सबसे पहले ये
नेक बनाया है, बैंड कॉलर बैंड जो होता है, जो बैठा हुआ बैन होता है वो बैन है ये। एक जो खड़ा हुआ बैन होता है, जो गर्दन के साथ खड़ा होता है, वो बैन मुझे पर्सनली ज़्यादा पसंद नहीं है। लेकिन जो ये वाला बैन होता है कॉलर बैन, ये मुझे अच्छा लगता है, तो इसके ऊपर मैंने ये बनाया है। तो इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर मौजूद है। उसके बाद जो बॉर्डर की पट्टी थी उसको मैंने यहाँ पाइपिंग की तरह लगाया है, और बीच में ये छोटे छोटे स्टड्स लगाए हैं। उसके बाद मैंने स्लीव्स पर ये गोटा गुम सिलाई के साथ लगाया है। अंदर मैंने जो बॉर्डर कमीज़ के साइड से बचता है वो मैंने लगाकर गुम सिलाई के साथ लगाया है, क्योंकि ये गोल्डन एम्ब्रॉयडरी थी इस पर, तो ये इसके साथ काफ़ी सूट कर रहा है। और दामन पर भी मैंने इसी तरह आगे और पीछे सेम डिज़ाइनिंग की है गुम सिलाई के साथ, और फिर बाद में तुरपाई कर ली है। हम पलटा भी लगाते हैं, पलटावा या पलटा कहते हैं इसको, अंदर की साइड पे जो हम बॉर्डर लगाते हैं, तो उसके बीच में ये गोटा रखकर मैंने इस तरह डिज़ाइनिंग की है। इसकी वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। इसकी बैक साइड इस तरह थी, और इसका प्रिंट बैक साइड का भी काफ़ी अच्छा है। उसके बाद ये इसका ट्राउज़र है, इसके साथ मेहरून ट्राउज़र था, और इसके ट्राउज़र पर मैंने बिल्कुल ये सिंपल सी डिज़ाइनिंग की है। हल्की सी चुंटों वाला शर्ट का जो पीस था वो अटैच कर दिया है दोनों साइड्स पर, जो हमारी फ्रंट साइड होती है, फ्रंट साइड की सिलाई जो होती है पैंट ट्राउज़र की, उसके अंदर। और ये मैंने ड्रेस ईद पर पहना था, इसलिए ये आपको फील हो रहा होगा थोड़ा सा। और इसके बाद ये इसका दुपट्टा है, इसका एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टा था, दुपट्टे के दोनों साइड पर एम्ब्रॉयडरी थी लेकिन कटवर्क नहीं था, तो ये इसकी कटवर्क की डिज़ाइनिंग मैंने ये खुद की है। और इसकी वीडियो भी मैं मेरे चैनल पर मौजूद है, और मैं आपको लिंक दे दूंगी, आप देख सकते हैं जाकर। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, और कोई और सजेशन हो तो वो भी दें। आप क्या देखना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं, किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।